स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल पे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ब्राउन डिस्चार्ज इन अर्ली प्रेगनेंसी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि माइलो फैमिली चैनल इंडिया का नंबर वन चैनल है, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी टिप्स के। हमारी वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज्यादा इजी ब्रीजी हो जाती है। तो बस आपको क्या करना है, माइलो फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि रेगुलर अपडेट्स आपके पास आते रहे। और यही नहीं, आपको मिलते हैं हर हफ्ते, हर महीने, हर साल कुछ ऐसे फ्रीबीज जो आपके और आपके होने वाले बेबी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको ढेर सारे गिफ्ट्स और वाउचर्स जीतने का भी मौका मिलता है। तो बस देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए माइलो फैमिली में। आज के वीडियो में हम प्रेगनेंसी में होने वाले ब्राउन डिस्चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में लेडीज को ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से लेडीज स्ट्रेस्ड हो जाती है। प्रेगनेंसी एक ब्यूटीफुल फेज है जिसमें बॉडी में अलग अलग चेंजेस होते हैं, बट फर्स्ट टाइम मॉम्स को इन सब चेंजेस के बारे में कभी जानकारी नहीं मिल पाती और वो स्ट्रेस्ड हो जाती हैं। आज हम इस डिस्चार्ज से रिलेटेड एस्पेक्ट्स, जैसे डिस्चार्ज के कॉजेज, उनका ट्रीटमेंट और कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इन सब पहेलियों पर बात करेंगे। वेल, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप उन 10 लकी विनर्स में से एक हो सकते हैं जो हर फ्राइडे ₹500 का वाउचर जीतते हैं। आपको बस इस वीडियो को अंत तक देखना है और उस शब्द को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है जो आपको वीडियो में मिलता है। वाउचर रिडीम करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और माइलो ऐप डाउनलोड करें। कॉजेज ऑफ ब्राउन डिस्चार्ज। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के डेज में ब्राउन डिस्चार्ज क्यों होता है। सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में ब्राउन डिस्चार्ज होता है क्योंकि पुराना कलेक्टेड ब्लड बॉडी से निकलता है। ये प्रेगनेंसी का एक सिम्टम भी है और ज्यादातर 3 से 4 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ब्राउन डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के कारण हो सकता है, जो फर्टिलाइज्ड एग को यूट्रस के लाइनिंग में अटैच होने के बाद हो सकता है। ये डिस्चार्ज एक्सपेक्टेड पीरियड्स की डेट आने के टाइम हो सकता है। डिस्चार्ज लाइट या हैवी हो सकता है और कुछ दिन या हफ्ते तक चल सकता है। हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस के कारण भी ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। सर्विकल और वजाइनल इन्फेक्शन और इरिटेशन। अगर ब्राउन डिस्चार्ज क्रैम्पिंग, पेन या फीवर के साथ होता है तो ये इन्फेक्शन की निशानी हो सकती है। ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक सीरियस कंडीशन है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस के बाहर टिपिकली फिलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है। ब्राउन डिस्चार्ज एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम हो सकता है, जिसमें एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग और वजाइनल ब्लीडिंग के साथ हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है तो जल्दी ही मेडिकल अटेंशन ले। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अनट्रीटेड रहने पर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग फेलोपियन ट्यूब को रैप्चर कर सकता है और सेवियर इंटरनल ब्लीडिंग का कारण बन सकता है। ऐसे केसेस में डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और डायग्नोस कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ेगी, यूजुअली मेडिकेशन या सर्जरी के थ्रू। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ब्राउन डिस्चार्ज इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हार्मोनल चेंजेस या सर्विकल या वजाइनल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी या शार्प पेन, क्रैम्पिंग या हैवी ब्लीडिंग के सिम्टम्स दिखाई दें तो जल्दी ही मेडिकल अटेंशन ले। अगर कोई पेन या फिर सिम्टम्स नहीं है और डिस्चार्ज लाइट है तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर कोई महिला हैवी ब्लीडिंग से परेशान है तो उसे जल्दी से मेडिकल अटेंशन ले लेनी चाहिए। अगर ब्राउन डिस्चार्ज माइल्ड है तो डाउचिंग, सेंटेड प्रोडक्ट्स यूज करने से और इंटरकोर्स करने से बचना चाहिए और वजाइनल एरिया को क्लीन और ड्राई रखना चाहिए। ब्रीदेबल अंडरवेयर पहनना चाहिए। अगर ब्राउन डिस्चार्ज हैवी है और बहुत दिन से हो रहा है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। कई केसेस में ब्राउन डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में कोई परेशानी नहीं होती है और खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना बेहतर रहता है ताकि अंडरलाइंग इश्यूज को निकाल सके और प्रेगनेंसी सही तरह से हो रही है ये चेक कर सके।
ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप माइलो वेबसाइट और माइलो ऐप पर भी प्रेगनेंसी और मदरहुड से रिलेटेड ब्लॉग्स को रीड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कॉमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार बताएं और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। हमारे माइलो फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा देना ताकि टाइम टू टाइम हमारी तरफ से आपको नोटिफिकेशन आते रहें।